हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं पायल सैनी आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार उपाय में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जया एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे और जया एकादशी के व्रत के महत्व को समझेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत होता है। यह तिथि मास में दो बार आती है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी व्रत आता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की महत्ता के बारे में भगवान श्री कृष्ण के वचनों का उल्लेख पद्म पुराण में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति जया एकादशी के व्रत को करता है, उसे कष्टदायी पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है और उसे दोबारा इस योनि में नहीं जाना पड़ता। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पूजन में भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली, विशिष्ट सुगंधित पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता। उन्हें इन योनियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। उन्हें मरने के बाद इन योनियों में नहीं जाना पड़ता। अब जान लेते हैं जया एकादशी की कथा को। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से बोले, कृपा करके माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा को सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व ज्ञान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हावभाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अति सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए। उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और शीत के मारे दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम होते हैं, अतः हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव योग से तभी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई
उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही अपना पूरा दिन व्यतीत किया। और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों ठंड के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपट कर पड़े रहे। उस रात्रि को भी उन्हें निंद्रा नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, यह बात सबको बतलाओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हमें हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उससे मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही हजार वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जया एकादशी व्रत की कथा जो मैंने आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर की है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी जया एकादशी के व्रत के महत्व को जानें और समझें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मैंने अपने YouTube चैनल पर जया एकादशी की पूजन सामग्री की लिस्ट और जया एकादशी की पूजन को कैसे करना चाहिए उसकी संपूर्ण पूजन विधि अपने YouTube चैनल पर वीडियो डाल चुकी हूँ। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो या तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, अन्यथा वीडियो के आखिरी में मैं उस वीडियो की लिंक आपको दे दूंगी ताकि आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।